hey everyone i hope you all are doing great and doing good in your studies also so the exam so the 2021 exam season is over and now it is time for 2022 so in this video i am going to share quantitative aptitude strategy with you all so that you can clear your basics and at the right time and you can prepare well for the upcoming examinations. सो so, इस वीडियो में मैं बात करूँगी बेसिक्स की उसके बाद अरिथमेटिक की उसके बाद डी जो मेन्स एंड प्रब्लम्स दोनों लेवल की होंगी ठीक है मैं ऐसे ही बात ऐसे ही बताऊँगी जैसे मैंने किया है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं और बाकी सारे सोर्सेज में बताऊंगी कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड की तो पहली चीज़ है बेसिक बेसिक में जो चीज़ें आती है वो है हमारी कैलकुलेशन स्किल्स देन कुछ टेबल्स होती हैं लाइक ट्वेंटी फाइव तक टेबल्स आप याद कर सकते हो उसके बाद स्क्वेयर्स क्यूब्स ये सारी चीज़ें आती हैं इसके बाद इसमें कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं जब आप प्री का पेपर देते हो ठीक है इसके साथ ही इसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं इसी चैप्टर में रखती हूँ बेसिक्स के चैप्टर में तो पहले आपको क्या करना है पहले आपको टेबल्स याद कर लेनी ये आप डेली करेंगे टेबल क्यूब और स्क्वेयर ये तीनों चीज़ें आप डेली करेंगे टेबल्स के लिए आप ट्वेंटी फाइव तक टेबल याद कर सकते हैं उसके बाद फिर स्क्वेयर्स के लिए लाइक अराउंड फिफ्टी तक के स्क्वेयर्स आप याद कर सकते हैं और क्यूब के लिए अराउंड ट्वेंटी तक के क्यूब्स सफिशियंट रहेंगे ठीक है तो ये आप कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ पहले आपको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन की कुछ वीडियोस देख लेनी है अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शुरू में सिंप्लीफिकेशन के कुछ लाइक आपने आज आठ नौ वीडियो देखी सिंप्लीफिकेशन की उसके बाद आपको एक साथ बैठ के सिंप्लीफिकेशन के अराउंड सत्तर से अस्सी क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं एक ही बार में कोई ब्रेक नहीं लेना है मतलब एक बार में आपको गो थ्रू हो जाना है सेवेंटी से एट्टी क्वेश्चंस के उसके बाद आप ऐसे ही जैसे आप दो दिन सिंप्लीफिकेशन को दोगे उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के लिए अराउंड दो दिन ऐसे ही आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के अलग अलग टीचर्स की फिर आपको सेवेंटी एट्टी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के सोल्व कर लेने हैं ये ये प्रोसेस आपको एक ही बार करनी है एक बार आपको सेवेंटी एट्टी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के उसके बाद नंबर सीरीज़ में एक बार मिसिंग नंबर सीरीज और एक बार रॉन्ग नंबर सीरीज़ ठीक है दोनों के लिए लाइक आप दो दिन दोगे तो एक दिन आप मिसिंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सोल्व करोगे पहले उनके बेसिक्स देख के और नंबर सीरीज़ में हो सके तो नोट्स बना लेना टाइप्स के क्योंकि नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मेंस तक हमारे साथ रहता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन अराउंड प्री में ख़त्म हो जाते हैं मेंस में का कोई रोल नहीं रहता क्लर्क मेंस में आ जाते हैं लेकिन पीओ मेंस में नहीं आते हैं लेकिन नंबर सीरीज़ ही एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पी ओ तक भी चलता है तो नंबर सीरीज के हो सके तो नोट्स बना लेना और उसके जितने भी पैटर्न हैं उनको नोट कर लेना अच्छे से उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए भी आप यही सेम चीज़ कर सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस देख के और जिस टीचर की आपको अच्छी लगे टेक्निक उसको आप फॉलो करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ़ एक ही टीचर की वीडियो देखना क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि सभी टीचर्स के इसमें मैथड अलग अलग हैं तो हो सके तो क्वाड्रेटिक के लिए आप एक ही टीचर की वीडियो देखना बाकी इन तीन चीज़ों के लिए आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बेसिक्स के लिए ये करके फिर आपको डेली क्या कर लेना है लाइक ये जो प्रोसेस है ये आपका अराउंड वन वीक लेगी ये चारों चैप्टर को कवर करने में और ये जो तीन चार चीज चीज़ें ये आप एक पेपर पे नोट कर सकते हो और ये आपको डेली पढ़नी है उसके बाद दस दस सिंप्लीफिकेशन दस सिंप्लीफिकेशन दस अप्रॉक्सीमेशन दस रॉन्ग नंबर्स वेर इज दस मिसिंग नंबर सीरीज और दस क्वाड्रेटिक ये फिफ्टी क्वेश्चन का सेट आपको डेली प्रैक्टिस करना है डेली मतलब डेली ठीक है इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप मन में कैलकुलेशन करना सीख जाओगे जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके प्रलिम्स में और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड आजकल आपको पता ही है कि प्रलिम्स के पेपर में कितनी हाई कट ऑफ जा रही है क्लर्क में स्पेशली तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और ऐसे करके आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक की तो अरिथमेटिक में जिस टीचर को मैंने फॉलो किया है वो है आशीष अरोड़ा आप चाहो अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आप उनको फॉलो कर लो बेझिझक वो उनसे अच्छे अरिथमेटिक के टीचर मेरे को कोई नहीं लगते लेकिन बाकी मैंने किसी और टीचर से पढ़ा नहीं है तो मैं बाकी किसी के बारे में बता नहीं सकती आपका मन करे जहाँ से आपको जिस टीचर का भी समझ में आए वहाँ से आपको कर लेना है ठीक है तो टीचर लाइक आज आपने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्या करना है पहले जैसे हर टीचर लेवल वाइज़ क्वेश्चंस करवाता है लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री के क्वेश्चंस करवाता है तो मैंने क्या किया था लेवल वन के क्वेश्चंस जैसे आज मैंने किए उसके बाद कोई और दूसरा बैच खोल के सर के बैचेज़ होते हैं तो कोई और दूसरा बैच खोल के और उस बैच में जो लेवल वन की क्लास थी उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद फिर अपने लेवल टू की नेक्स्ट डे क्लास देख के दूसरे बैच से लेवल टू के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ऐसा मैंने किया था बाकी आप लोग अगर आपके पास प्लस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो जिस जिसमें टीचर का आपको समझ में आए यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं तो आप चैप्टर सर्च करके और आप उनसे पढ़ के लाइक आज आपने परसेंटेज के क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिक्स आपने क्लियर किए तो परसेंटेज के आपको नोट्स बना लेने हैं छोटे छोटे ताकि जब आप रिविज़न करो तो आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े आप अपने नोट से रिवाइज कर पाओ और अरिथमेटिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इन क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जो आपको मेंस में बचा सकता है क्योंकि सारी डीआई अरिथमेटिक सारा पीओ मेंस का जितना पेपर होगा वो सारा अरिथमेटिक बेस्ड आएगा अरिथमेटिक के लिए नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है ठीक है बहुत अच्छा होगा अगर आप नोट्स बनाएंगे क्योंकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ें बैठेंगी और जब आप प्रैक्टिस करोगे और अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे तो आप अपने नोट्स में वापस जा सकते हैं रेदर देन कि आप वीडियो में जाओ क्योंकि तो फिर आप वो ढूंढ भी नहीं पाते हो कि पोर्शन वो करवाया कहाँ था तो अरिथमेटिक के लिए जैसे आज, आज आपने परसेंटेज की क्लास को किया है उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री उठा के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं आप चाहो तो किसी भी बुक से कर सकते हो लेकिन जो मैं बुक आपको रेकमेंड करना चाहूँगी वो वो ये बुक है ये बैंकिंग की फ़ोर थाउजेंड क्वेश्चनस की बुक है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में चैप्टर्स दिए हुए हैं जैसे लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तो ये लेवल वाइज क्वेश्चंस होते हैं ठीक है इसमें फिर आपको आंसर की और सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं तो इसे लेवल वन जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रेलम्स लेवल के होते हैं उसके बाद फिर लेवल टू क्वेश्चन अराउंड क्लर्क मेन्स टाइप के होते हैं और लेवल थ्री क्वेश्चन पी ओ टाइप के होते हैं तो इससे आप धीरे धीरे अपना लेवल उठा सकते हैं और आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे प्लस इसमें क्वेश्चंस के लिए टाइम भी दिया गया है कि आप इतने टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं लाइक देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें जो आइडियल टाइम है वो थर्टी फोर सेकेंड है कि आपको अराउंड थर्टी फोर सेकेंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है तो ये जो टाइम दिया गया है ये बहुत अच्छी चीज़ है ये आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रबलम्स के लिए ठीक है बिकॉज प्रब्लम्स इज ऑल अबाउट स्पीड देन आपको ये आंसर की दी गई है जिसमें बताया गया कि कितने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन को लीव किया है मतलब कितने परसेंट लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया है कितने परसेंट ने इसको सोल्व किया है छोड़ा है मतलब लीव किया है और कितने परसेंट ने किया है तो ऐसे करके आप एनालिस कर सकते हो कि कितने परसेंट लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें और कितने परसेंट इसको छोड़ रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है और उसके बाद आपको एक डिटेल्ड सॉल्यूशंस में मिलता है ओके okay. ये डिटेल सॉल्यूशन भी दिए गए हैं और इस बुक में सारे चैप्टर कवर हैं लाइक डीआई भी कवर है और जो बेसिक है तो वो मतलब आपके बेसिक्स के लिए अच्छी बुक रहेगी आपको अपने बेसिक्स की प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस सही से आपकी हो जाएगी और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं इसके बाद हम आएंगे डी पे ठीक है अरिथमेटिक करने में आपको अराउंड वन एंड हाफ मंथ लगेगा अगर आप अच्छे से करोगे तो और ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अभी कोई पेपर भी पास में नहीं है और अभी शायद सीधा एस बी आई क्लर्क ही आएगा तो उस एग्जाम को टारगेट करते हुए आप बहुत अच्छे से अपने अरिथमेटिक के बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं और अराउंड दो मंथ में आपकी अरिथमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे और डेली चैप्टर करते रहेंगे और एक बार अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर दोबारा से चैप्टर उठा लेनी है लेकिन उस टाइम आपको बेसिक नहीं करनी है आपको बस अपने नोट्स देखने हैं और बस आपको क्वेश्चन सोल्व कर करना है ठीक है और एक दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है बुक में उसको आप निशान टिक टिक मार्क लगा सकते हो उस पर आप निशान लगा सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने आओ बुक से तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करो जिनको आपने मार्क कर रखा है ठीक है क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सोल्व हो गए थे वो तो दूसरी बार में भी हो जाएंगे लेकिन जो जिस जो क्वेश्चन पहले फंसे थे वही दोबारा आपको प्रॉब्लम करेंगे तो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपको क्वेश्चन याद है या नहीं है उसके बाद मैं आऊँगी डी पे तो डी में जो प्रलिम्स लेवल की डी है वो बहुत ही ईजी होती है आपको जस्ट चार पाँच वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा क्योंकि जो प्रलम्स की डी है उसमें परसेंटेज एवरेज और एक चैप्टर होता है वो परसेंटेज एवरेज और एक और चैप्टर होता है आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर तो ये वाले जो बेसिक चैप्टर होते हैं ये काम करते हैं प्रलिम्स लेवल डी में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती कुछ भी नहीं होती बहुत ही इजी डी होती है और उसके साथ फिर मेंस के डी होती है तो मेंस के डी के लिए आपको अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉग है तो मेंस की डीआई के लिए मेंस की डीआई फिर कुछ भी नहीं है ठीक है वो बहुत इजी लगेगी आपको और मेंस के डीआई के लिए आपको क्या करना है डेली मॉक से दो से तीन डीआई आपको उठा लेनी है लेकिन ये आपको तब करना है जब आपके अरिथमेटिक के बेसिक क्लियर हो जाएँ उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस करेंगे अरिथमेटिक की और उसके साथ आप मेन्स के जो मॉक टेस्ट हैं जब पुराने साल पिछले साल के मॉक टेस्ट हैं लाइक 2021 के जो मॉक टेस्ट हैं उसमें से आप डेली दो से तीन डीआई उठाएंगे मेंस की पहले आप शुरू करेंगे आरआरबी क्लर्क से फिर आप जाएंगे आरआरबी पीओ पे फिर आप जाएंगे एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ तो तब तक जब तक एस क्लर्क का मेन्स आएगा तब तक आप अपना डी का लेवल बहुत ऊपर उठा चुके होंगे लाइक like, आप स्टार्ट करेंगे आरआरबी क्लर्क से और आप जाएंगे एसबीआई पीओ आई पीओ तक तो आपका जो डी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा मैंने भी ये किया है कि मैंने जो मेंस के जो डी आई वो ऐसे ही प्रैक्टिस की है पहले आरआरबी क्लर्क की फिर उसके बाद आरआरबी पीओ की देन एसबीआई क्लर्क की तो इससे ना क्या होता है कि बहुत अच्छा लेवल बन जाता है मेन्स के डी आई के लिए ठीक है और फिर आप जब पी ओ मेन्स का पेपर देंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे लाइक क्वांट का जो डर होता है ना बच्चों में कि तीन से चार क्वेश्चन नहीं हो पाते वैसा कुछ नहीं होगा आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आप बहुत अच्छे से अपना क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन अटैम्प्ट कर पाएंगे तो यही है इस वीडियो के लिए आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और अगर फिर भी अगर कुछ बचा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे से अपने पेपर दो एंड बहुत जल्दी से आपकी जॉब लग जाए थैंक यू